सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास कितने सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई आप इलेक्ट्रिशियन के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर ओमान में हमको इलेक्ट्रिशियन का काम करना हो अभी के टाइम पे तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी हमको सैलरी मिल जाती है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट की हमको ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने बेसिकली इसे ITI का कोर्स किया हुआ है जो कि 2 साल का कोर्स होता है, और कई लोग फ्रेशर भी हैं, अभी पूछ रहे थे भाई एज अ फ्रेशर हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, या फिर अगर हमको 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर हम कितना तक कमा सकते हैं ओमान में। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अपनी कोर्सेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आप एक काम जरूर करना, आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लेना, ठीक है। एक्सपीरियंस पे आपको फायदा ही होगा, एक तो आपकी सैलरी अच्छी लगेगी, ठीक है, और जॉब भी आपको आसानी मिल जाएगा। जब आपके रिज्यूम देखती हैं कंपनीज तो उसमें सबसे पहले वही चीज देखती है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो अपना एक्सपीरियंस कॉपी जरूर ले लेना, आपके लिए काफी जरूरी है, ठीक है। अब कुछ डॉक्यूमेंट बताता हूं जो कि ओमान वीजा के लिए आपको जरूरत पड़ेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो ही आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट जरूर ले लेना। सेकंड आपका वर्क एक्सपीरियंस जो मैंने बताया। थर्ड आपकी क्वालिफिकेशन कॉपी, जितनी भी आपने पढ़ाई की है सबके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको जरूरत पड़ेंगे। फोर्थ है आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर जो काफी जरूरी है। फिफ्थ है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो, और आपका ऊपर को मतलब आपके बीमारी उमारी कोई ना हो इसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट आपका जरूरी है। मेडिकल काफी अच्छा होता है तो मेडिकल पर ध्यान देना, ठीक है। फोर्थ है आपका पुलिस सर्टिफिकेट कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो जाए, और आपकी जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, अगर आप इंडिया से हो तो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे आपके आइडेंटिटी प्रूफ में, अगर या फिर आप कहीं से भी हो आपकी जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है सारी आपको लगती है, ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर पे आपको सैलरी मिलती है वो 170 OMR से लेकर के 220 OMR तक मिलती है। अलग अलग कंपनीज की लोकेशन के ऊपर, आपके जॉब इंटरव्यू के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 220 OMR से लेकर के लगभग 320 OMR तक भी लोग मंथली अर्न कर रहे हैं जिनको 1 से 6 ईयर तक का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जितनी अच्छी एक्सपीरियंस रहेगी उतनी आपकी अच्छी सैलरी लगेगी, ठीक है। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो। आप एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन में क्या होता है, काफ़ी सारे फ्रॉड चीज़ें हो रही हैं, तो मैं नहीं बोलूँगा आप ऑनलाइन अप्लाई करो, किसी ऐसे एजेंट को पकड़ो जो पहले से लोगों को भेज चुका है ओमान में, उससे आप कॉन्टैक्ट करके अपना वीज़ा के लिए बात करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, और कोई गलत चक्कर मत पड़ना, फ्रॉड के चक्कर मत पड़ना, कोई पैसे उसे लेके भाग जाते हैं लोग, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो हैव एन डे, बेस्ट ऑफ लक।